हेलो दोस्तों, नमस्कार। DSSB ने अभी अभी एक नया नोटिफिकेशन निकाला है जो कि MCD एग्ज़ाम से रिलेटेड है। दोस्तों, कहने में तो ये सिर्फ नया नोटिफिकेशन है, लेकिन दोस्तों ये नोटिफिकेशन बहुत कुछ बोल रहा है। दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरा लाइव आने का मकसद यही है दोस्तों, DSSB के इस नोटिफिकेशन को आपको अच्छी प्रकार से समझाना कि यह क्या कुछ बोल रहा है नोटिफिकेशन। दोस्तों, आपको पता है कि 2 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, 1 साल पहले इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था। दोस्तों, अब भी वही स्थिति बनी हुई है। क्या कारण है, क्या यह नोटिफिकेशन कहता है, ज़रूर समझिएगा। दोस्तों, दिन में मैं लाइव आकर बताया था कि DSSB का जो एग्ज़ाम था 28 अक्टूबर को, संडे को, 28 अक्टूबर संडे को जो एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम में जो 30 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था और 13 और 14 को जो 13 और 14 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, उनमें से 25 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे। यानी 30 तारीख में से 18 क्वेश्चन और 13 और 17 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, उनमें से 7 क्वेश्चन आए हुए थे। टोटल 25 क्वेश्चन आए हुए थे। तो दोस्तों, लोगों ने यानी कैंडिडेट्स ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि इससे 28 तारीख वाले को फ़ायदा होगा। दोस्तों, DSSB बोर्ड ने इस बात को समझा, जाना और दोस्तों नोटिफिकेशन निकाल दिया। दोस्तों, आपको पता है कि 1 साल पहले इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया था। किसके कारण? लीक हुआ था एग्ज़ाम। दोस्तों, तो 30 तारीख को आपको पता है जो एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत ही हार्ड हुआ था। कुछ प्रक्रिया राजनीति भी हावी होने लगी, क्योंकि 1 साल पहले जो एग्ज़ाम कैंसिल कराने के लिए बहुत से राजनीति प्रतिनिधि भी कैंसिल कराने में अहम योगदान निभाया और उनका नाम भी चला दोस्तों कि उन्होंने कैंसिल कराया लीक होने के कारण। तो उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया था, लेकिन दोस्तों अब फिर से ऐसी स्थिति बनी हुई थी। लेकिन दोस्तों, प्रशासन ने नोटिफिकेशन निकालते हुए देर नहीं की। उन्होंने मान लिया कि कुछ क्वेश्चन 30 तारीख और 13 तारीख और 14 तारीख में से आए हुए थे, वे काउंट नहीं किए जाएंगे। यानी 28 तारीख का जो एग्ज़ाम दिया था, उन कैंडिडेटों के जो 25 क्वेश्चन के लगभग आए हुए थे, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। एक तो ये कारण है, समझने का प्रयास किए दोस्तों, ताकि इस भर्ती को कोर्ट में ले जाने से बचना चाहती है DSSB बोर्ड। यानी DSSB बोर्ड कोर्ट में इस भर्ती को ले जाने से बचाना चाहती है। अगर कोर्ट में ये चला गया तो दोस्तों फैसला आने में बहुत टाइम लग जाता है, आपको भी पता है। और कोर्ट में पता नहीं 1 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए या 1 महीना भी लग जाए, कहना मुश्किल है। दोस्तों, समझदारी वाला काम किया वैसे DSSB ने, जल्दी से नोटिफिकेशन निकाल दिया। ये पब्लिक नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं कि DSSB बोर्ड कंडक्ट एग्जामिनेशन द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर 16, 17, 118 इन 4 बेंचेज। यानी 4 पारियों में यह एग्ज़ाम हुआ, एक तो 30 सितंबर को, एक 13 अक्टूबर को, एक 14 अक्टूबर को, एक 28 अक्टूबर को। नो इट हैज़ बीन ब्रॉड टू द नोटिस टू द बोर्ड दैट ए फ्यू क्वेश्चन वॉज एक्सेक्ट रिप्लेक बोथ इन वर्डिंग। यानी जो एग्ज़ाम हुए थे 30 तारीख को, 13 तारीख को और 14 तारीख को, उन्हीं एग्ज़ाम में से क्वेश्चन को रखे गए थे 28 तारीख में से। दोस्तों, अब उन्होंने कहा कि जो ये 25 क्वेश्चन थे वे काउंट नहीं किए जाएंगे। 28 तारीख वाले जो कैंडिडेट थे उनके नंबर 25 क्वेश्चन को काट दिया जाएगा। यानी जो 25 नंबर के क्वेश्चन जो थे उनको काउंट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अब कहना मुश्किल है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब मुश्किल ये आ रही है कि 28 तारीख को जिनका एग्ज़ाम था, वे भी दोस्तों हल्ला वो हल्ला करेंगे, वे भी कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह DSSB ने समझदारी के साथ काम लिया और नोटिफिकेशन निकाला है, उसके आधार पर यदि कोर्ट में ये चला भी जाता है तो दोस्तों अपील को जल्द से जल्द खारिज किया जा सकता है, या 1 महीने के अंदर भी खारिज किया जा सकता है। इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।
तो दोस्तों यानी मैं यही समझूंगा कि जल्द से जल्द रिजल्ट लाने के लिए कोशिश की जाए, DSSB चेयरमैन को लेटर लिखा जाए, चेयरपर्सन जी को लेटर लिखा जाए, सरकार से अपील की जाए कि 1 महीने के अंदर इस भर्ती का रिजल्ट भी आउट कर दे। तो दोस्तों हमारे लिए भी बेटर है और सबके लिए बेटर है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से ये परिस्थितियाँ बनती जा रही है, राजनीतिक हवैया लिया जा रहा है, तो दोस्तों जल्द से जल्द रिजल्ट लाने के लिए मैं कहूँगा कि आप लेटर लिखें चेयरपर्सन के नाम पर, DSSB के, और दोस्तों CM के नाम पर भी लेटर लिख सकते हैं। और दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा, जो भी न्यू अपडेट्स आएगी, इस YouTube चैनल पर डाल दी जाएगी। आप अपने विचार ज़रूर कमेंट में डालिएगा, मेरा लाइव आने का यही मकसद है कि आपके विचार क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने दिन में भी इस भर्ती से रिलेटेड एक अखबार की कटिंग के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया था। तो दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपकी तैयारी ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।